और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर दिल्ली से बीजेपी सांसद की बड़ी पहल सामने आई है। सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए देंगे प्रवेश वर्मा। ये बड़ी खबर, दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए कोरोना के लिए देंगे और ये एक सकारात्मक खबर है, अच्छी खबर है। और पूरे देश से अगर सांसद यूं ही सांसद निधि अपने इलाके में खर्च करते रहेंगे तो कोविड के इस वक्त में जो मारामारी है, खासकर गरीबों के सामने जो दिक्कत पेश आ रही है, उसमें जरूर कुछ कमी आएगी। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक का, क्योंकि अभिषेक के साथ प्रवेश वर्मा इस वक्त खुद जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये सकारात्मक खबर है और एक अच्छी पहल भी है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे साथ पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा खुद हैं, जो अपनी सांसद निधि से अनाउंस किया है कि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 करोड़ रुपया देंगे, जिसके वजह से अगर वो प्लांट लग जाता है तो 200 बेड पर ऑक्सीजन पहुंच सकता है। प्रवेश जी, आपने अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपया देने की बात कही है। देखिए, मैंने सांसद निधि से नहीं बोला, मैंने बोला मेरी तरफ से, क्योंकि सांसद निधि में उसको पास करवाना, उससे परमिशन लेना, इसका एक अपना लंबा प्रक्रिया है। मैं उसमें भी नहीं पढ़ा। हम लोगों के माध्यम से, मेरी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान, उसके माध्यम से हम इकट्ठा करके, जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो मेरी संसदीय क्षेत्र में हरिनगर में है, जहाँ पर आज मेरी डायरेक्टर से बात हुई तो उसने कहा कि हमें जो हमारे पास में टैंक है उसको हमें रोज फिल करने के लिए हमने रिक्वेस्ट करते हैं, मगर वो अल्टरनेट डे के हिसाब से फिल होता है, तो हमको एक दिन की ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। मैंने ये कहा कि अगर 1 करोड़ रुपया हो, 1.25 करोड़ रुपया हो, एक पूरा प्लांट जो उस पूरे अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई कर दे, इसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो मैं इकट्ठा करके अपनी तरफ से दूंगा, ना कि मेरे सांसद निधि से दूंगा। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, सांसद निधि मैंने अपने ट्वीट में नहीं कहा, मैंने कहा मेरी तरफ से दूंगा। चलिए, आप अपनी तरफ से देंगे, अच्छी बात है। पश्चिमी दिल्ली में भी कई अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को ऑक्सीजन दिया जाए, केंद्र से भी कह रहे हैं, तमाम राज्यों को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। दिल्ली की जनता कब तक मरती रहेगी सर ऑक्सीजन के अभाव में? दिल्ली की जनता जो इस हालात में पहुंची है, उसका एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। भारत सरकार ने पीएम केयर फंड से दिल्ली सरकार को दिसंबर के महीने में 8 प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया, जो दिल्ली सरकार जिसके ऊपर में सोती रही। आज ये नौबत आ गई कि हाई कोर्ट को उनको डांटना पड़ा कि उन पैसों का आपने प्लांट क्यों नहीं लगाया। भारत सरकार तो पैसा दे चुकी थी, भारत सरकार ने पूरे देश के हर राज्यों को पैसा दिया पीएम केयर फंड से, जो दिल्ली को पैसा दिया वो पैसा लेने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने प्लांट क्यों नहीं लगाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर मैं इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ, मैंने 2 लाख N95 मास्क अपने क्षेत्र में बांट रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में काढ़ा बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, सभी जितने सुबह से शाम तक फोन आते हैं उनके लिए बेड ऑक्सीजन, ये सारी व्यवस्था करने में पूरा दिन बीत जाता है। मगर अरविंद केजरीवाल को अगर पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो आज तक ऑक्सीजन प्लांट ऑर्डर नहीं कर पाया। 65,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट है, फिर भी ऑर्डर नहीं कर पाया। ये शर्म की बात है कि दिल्ली के लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा, अगर इंसानियत ऐसे समय पर भी काम ना आए, मेरे पिताजी ने सिखाया कि अगर हम ऐसे समय पर भी काम नहीं आ सकते तो कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं, अगर मुझे अपना घर का भी सर, लगातार आप से हिंदुस्तान देख भी रहे होंगे, हम लगातार दिखा रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, हर जगह बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है। लोग सड़कों पर कोरोना पॉजिटिव लोग 76 जो उनका ऑक्सीजन लेवल है वो लेकर बैठे हुए हैं। आज भी मेरे सामने कई मौतें हुई हैं। आखिरकार में ये मौतों का सिलसिला कैसे थमेगा, कैसे दिल्ली फिर से वो सांस ले पाएगी सर, कैसे लगेगा? अगर हम राजनीति से थोड़ा सा परे बात कर ले, उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग, जो आप सांसद हैं, आप केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं?
देखिए, भारत सरकार अपनी तरफ से जो वो कदम उठा रही है, दिल्ली में केवल दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट नहीं है, दिल्ली में भारत सरकार के हॉस्पिटल भी हैं। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल भी है, आरएमएल भी है, सफदरजंग भी है, बहुत सारे अस्पताल हैं। तो भारत सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। एक बात, मैंने मेरे क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पे निजी अस्पताल हैं उनके मालिकों से मेरी डायरेक्ट रोज़ ही बात होती है, और हमने उनसे कहा कि आज हमें बेड बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मैं 4 दिन से अमेरिका में, सिंगापुर में, हांगकांग में, सब जगह मेरी बात चल रही है, कनाडा में मेरी बात चल रही है। आज या कल में हम 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर वाले उसका ऑर्डर दे रहे हैं। हमारी मेरे भारत सरकार से भी बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम उसको एयरलिफ्ट के जरिए जैसे ही वहाँ पर हमें उपलब्ध हो जाएगी, हैंडओवर हो जाएगी, हम एक दिन में उसको दिल्ली में मंगवा लेंगे। और भारत सरकार ने उसके ऊपर से अभी कोई भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी को भी समाप्त कर दिया है। तो जैसे ही वो आती है, अगर 400 ऑक्सीजन हमारे कंसंट्रेटर आ गए, इसका मतलब है कि नए 400 बेड को तुरंत ही शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ना तो रिफिलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ना कहीं से मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप ही ऑक्सीजन बनाता है। तो ऐसी मशीन मैं अभी बाहर से, मेरे को पूरी उम्मीद है 4-5 दिन में मैं उसको मंगवा लूँगा। तो हमारे क्षेत्र में 500 बेड एक 24 घंटे के अंदर में बढ़ सकते। बिल्कुल अभिषेक, तो देखिए ये एक अच्छी पहल है, और अगर इसी तरीके के सकारात्मक कदम उठाए गए तो ये इस लड़ाई से लड़ने में बहुत ज्यादा सहूलियत और आसानी होगी। एक